मऊगंज जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत देवरा गांव में कल मंदिर की जमीन पर बरसों पूर्व किए गए अतिक्रमण को लेकर हुए बवाल के बाद अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देर रात प्रशासन और पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करते हुए तनाव की स्थिति को समाप्त कर दिया गया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों से कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें, देवरा गांव स्थित महादेवा मंदिर की भूमि में बरसों पूर्व अतिक्रमण कर लिया गया था। उक्त भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करने के लिए बीते 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जबकि प्रशासनिक स्तर पर इसको हटाने की कवायद की जा रही थी। इसी बीच कल दोपहर तकरीबन 3 बजे मौके पर पहुंचे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की मौजूदगी में JCB से प्रदर्शनकारियों ने इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया, जिसको लेकर जमकर बवाल हो गया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी उपयोग करना पड़ा। तनाव की स्थिति को देखते हुए कई जिलों का पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने देर रात विधायक को बतौर सुरक्षा अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित स्थान पर लाया और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया। आइए अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कमिश्नर IG DIG मऊगंज कलेक्टर और मऊगंज पुलिस अधीक्षक के पास, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। मऊगंज जिले में ग्राम देवरा है, वहाँ पर एक अतिक्रमण करके दीवार बनाई गई है, जिसे कि तथाकथित ईदगाह कहा जा रहा है। इसका प्रकरण तहसील न्यायालय में चला था और तहसीलदार ने इसको बेदखली का आदेश पारित किया था। पक्षकारों ने अपील की थी SDO राजस्व के कोर्ट में। SDO राजस्व ने भी उस आदेश को यथावत रखा, अर्थात आज की तारीख में अतिक्रमण है और उसको बेदखली का आदेश पारित है। ये प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच आज कुछ लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और माननीय विधायक जी भी, प्रदीप पटेल जी भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कुछ दीवार को डैमेज भी किया है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर दोनों पक्षों में कुछ थोड़ी बहुत पत्थरबाजी हुई है और कुछ लोगों को आंशिक चोट आई है, गंभीर कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन दोनों वहाँ पे पहुँचा था। दोनों पक्षों को समझाइश भी दी गई और स्थिति नियंत्रण में की। मैं और IG साहब, DIG साहब भी घटनास्थल पर पहुँचे थे। दोनों पक्षों से हमने भी बात की है और वो जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उन्हें समझाइश दे के उनको अपने अपने घर पर रवाना किया। इसके अलावा जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में क्षेत्र में, उस गांव में एकदम शांतिप्रिय स्थिति है, कोई भी वहां पर तनाव की स्थिति नहीं है और दोनों पक्ष अपने अपने घरों में। मेरी अपील ये है जनता से कि इस प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें और इस प्रकार की कोई घटना जैसी की बात बताई जा रही है कि आग लगा दी गई, ये कर दिया गया, इस प्रकार की कोई घटना वहाँ नहीं हुई है। वहाँ पे कुछ कूड़ा करकट और वो कुछ था पुआल, उसमें कुछ आग लगाने की, भूसा जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ आग लगाने की कोशिश की गई थी, जिसको तत्काल बुझा दिया गया और कोई जनहानि नहीं, कोई किस प्रकार का वो नहीं है। उसी बीच में जो बीच की स्थिति हुई थी वो पूर्णतः नियंत्रण में है और जिन लोगों ने कुछ वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक विधायक जी का प्रश्न है, विधायक जी को वहाँ से सुरक्षार्थ रीवा लाया गया है और ऐसी कोई बात नहीं है अभी, कोई उनको सिर्फ सुरक्षार्थ लाया गया। जनता को क्या से मेरा यही है कि किस प्रकार की अफवाह में ना पड़े। कोई आगजनी या इस प्रकार की कोई बड़ी घटना कुछ नहीं हुई है, पूर्णतः नियंत्रण में है, प्रशासन और पुलिस पूरा वहाँ है और SP कलेक्टर मौजूद है वहाँ। हम लोग वहीं से, मैं, कमिश्नर साहब, DIG साहब, हम वहीं से अभी आए हैं और वहाँ पर पूर्णतः शांति है, अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पर्याप्त बल लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और इस प्रकार की कोई अफवाह अगर किसी को सुनाई पड़ती है
तो वो स्वयं से कोई उसमें प्रतिक्रिया न करे, उसकी उसके लिए जो है तत्काल पुलिस को खबर करे और पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करे। जो भी 9 घंटे की घटना के बारे में आपको जानकारी है, ग्राम देवरा में वहाँ पे शासकीय संपत्ति जो भूमि थी वो मंदिर के नाम थी, किसके नाम थी, अतिक्रमण को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, गहमा गहमी हुई, पत्थर चले, छोटी मोटी आगजनी की घटना हुई, लेकिन ऐसी कोई गंभीर घटना नहीं है। मौके पर पुलिस बल पहुंच गया, आईजी साहब, कमिश्नर साहब और हम सब लोग वहाँ पहुँच गए। स्थिति सामान्य है। माननीय विधायक जी को, चूँकि नेता को पाने के बाद लोगों में उत्तेजना ज़्यादा आती है, इसलिए उनको अलग किया गया और कोई खास बात नहीं है। लगातार स्थिति पर निगाह रखी जा रही और पर्याप्त बल लगा दिया गया। देखिए वो अड़े हुए थे जेसीबी मशीन लेके दीवार गिराने के लिए, तो प्रशासन तो प्रयास करेगा कि अवैध गतिविधि न की जाए, नियम विरुद्ध न किया जाए, जो भी कार्य हो विधि विरुद्ध हो, तो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब उसी दौरान नहीं माने तो उनको उनके समर्थक काफ़ी उत्तेजित होने लगे थे, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको हिरासत में, हिरासत क्या है, इसको भीड़ से अलग किया गया। हनुमाना तहसील के ग्राम देवरा में एक शासकीय भूमि के अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही थी और इसमें आज दिनांक 19 को दोपहर में कुछ लोग एकत्रित होकर के और अतिक्रमण स्वयं हटाने के लिए आगे बढ़े और इसमें जेसीबी भी वो लोग साथ में ले आए और उन्होंने प्रयास किया कि वो अतिक्रमण स्वयं हटाए, तो इस बीच में दोनों तरफ से पथराव शुरू हुए क्योंकि दो पक्ष के विरुद्ध ये अतिक्रमण का मामला था। तो जब पथराव शुरू हुआ तो इसी बीच में माननीय विधायक जी भी वहाँ पर उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति वहाँ पर होने के कारण, पथराव होने के कारण माननीय विधायक जी को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ से तत्काल हटा करके अन्यत्र ले जाया गया और उसी जो पथराव जहाँ पर चल रहा था वहीं पास में एक झोपड़ी है, झोपड़ी में थोड़ा सा जो घास फूस रखा हुआ था उसमें किसी ने आग लगा दी। तत्काल ही हमने वहाँ पर आग बुझा करके और आगजनी को वहीं नियंत्रित कर दिया था। कोई उसमें कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई और किसी मकान और दुकान में अन्यत्र कहीं आग भी नहीं लगी थी, वो सब सुरक्षित था। और दोनों पक्षों की तरफ से अभी हम लोगों ने करीब गिरफ्तारियां की हैं, दोनों पक्ष के लोगों पर की हैं और धारा 163 लगा दी गई है और शांतिपूर्ण स्थिति है, पूरी तरह से नियंत्रण में है पूरी स्थिति और अभी किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। देखिए जैसा अभी पुलिस अधीक्षक मैडम ने बताया है, महोबगंज जिले की देवरा ग्राम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रचलन में थी, उसकी प्रक्रिया की जा रही है। आज 19 तारीख को अचानक दोनों पक्ष के लोग वहाँ एकत्रित हो गए और एक पक्ष के लोगों ने दीवार जो वहाँ पर है उसको स्वयं तोड़ने की कोशिश की, उसमें वो जेसीबी वगैरह भी लेकर के आए थे और इसके चलते दोनों तरफ से पथराव भी हुआ। माननीय विधायक जी भी लगभग 3 बजे वहाँ पर आ गए थे और जब पथराव हुआ तो दोनों पक्षों को अलग अलग करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और माननीय विधायक जी की सुरक्षा को देखते हुए उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है पुलिस अभिरक्षा में। और इसी दौरान एक झोंपड़ी के पास में कुछ घास रखी हुई थी उसमें किसी ने आग लगाई, उसको तत्काल ही बुझा दिया गया, वहाँ पर पानी था उससे तत्काल बुझा दिया। किसी मकान या किसी दुकान वगैरह में कोई आग नहीं लगी है, ना कोई जनहानि हुई है और इसमें दोनों पक्षों के लोगों की अरेस्टिंग हुई है, उनके खिलाफ़ मुकदमा पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। धारा 144 जो 163 हो गई उसको लागू किया गया है और जनसामान्य से मेरा आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है और पूरी स्थिति नियंत्रण में है।